किसान भाइयों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान भाइयों, मिट्टी, जमीन की मिट्टी, क्या हम इससे माइक्रोन्यूट्रिएंट बना सकते हैं? क्या हम इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में कर सकते हैं? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। एक है राजकुमार जैन जी, जो अमरूद के बहुत ही अनुभवी किसान हैं, रासायनिक खेती करते हैं। एक है नावेद शेख जी, जो नींबू के बहुत अच्छे जानकार हैं, वो भी रासायनिक खेती करते हैं। किसान भाइयों, कोई आदमी रासायनिक करता है या जैविक करता है, ये उसका अपना निर्णय है। मैं दोनों प्रकार की खेती करता हूँ। मेरे अमरूद के बाग में रोग आया, चूंकि मैं हर वक्त नहीं रहता था, 30 सितंबर से मैं पूर्ण समय दे रहा हूँ अपने बाग में। जब वो रोग आया तो मैंने जैन साहब से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि अगर कोई आदमी आईसीयू में है तो अब आप उसका आयुर्वेदिक उपचार नहीं कर सकते। मैं उनकी बात से सहमत था और उनके बताए तरीके अनुसार मैंने अपने अमरूद के पेड़ ठीक किए। ये हुई एक बात। दूसरी बात यह हुई, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कोई प्रयोग ना करूं। जैन साहब ने कहा, त्यागी जी, किसान को हमेशा प्रयोग करना चाहिए, कुछ एरिया में आप प्रयोग करें। मिट्टी के इसी प्रयोग को मैं कर रहा हूं, उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाकर पौधों पर छिड़काव करता हूं और देखूंगा क्या उसका असर होगा। उसका जैविक खाद बनाकर पौधों पर छिड़काव करता हूं, उसका आपको बताऊंगा क्या असर होगा। आइए देखते हैं मिट्टी से किस प्रकार जैविक माइक्रोन्यूट्रिएंट और जैविक पेस्टिसाइड बनाते हैं। यह सब मुझे सुरेंद्र सिंह जी ने बताया है और इसका सारा श्रेय मैं उनको देना चाहता हूं। आज के किसान हैं श्री सुरेंद्र सिंह जी। आइए देखते हैं किस प्रकार आप इसे तैयार करेंगे, कितना समय लगेगा और किस प्रकार इसका छिड़काव करेंगे। चलिए देखिए, ये हमने लगभग 3 फीट बाई 3 फीट का एक गड्ढा बनाया है, 3 फीट बाई 3 फीट, 3 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा एक गड्ढा बनाया है, जिसमें हमने ये 1 फुट ऊपर की मिट्टी निकाल ली है। अब ये जो मिट्टी है, ये जो दोनों तरफ रखी है, इसको हम सहेज कर रखेंगे और जब भी हम छिड़काव के लिए खाद का इस्तेमाल करेंगे तो इस ऊपर की मिट्टी में से 15 किलो लेंगे और ये जो गड्ढा बना है, अब इसमें नीचे 4 फीट तक की मिट्टी हम अलग रखेंगे। तो जब भी आवश्यकता हुई इसको हम निकाल कर, वैसे तो मैं इसको 3 फीट और गहरे तक निकाल कर इसको सहेज कर रखवा लूँगा, और अगर मुझे पेस्टिसाइड की आवश्यकता हुई तो मैं केवल नीचे वाली मिट्टी को प्रयोग करूँगा, और अगर मुझे इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता हुई तो मैं इसको 15 किलो ऊपर की मिट्टी यानी 1 फीट तक की मिट्टी और 15 किलो 1 फीट के बाद 4 फीट तक की यानी कि 3 फीट मिट्टी में से आधी आधी 15-15 किलो हम लेंगे और 200 लीटर पानी में हम आधा घंटे के लिए इसको भिगो कर रखेंगे। भिगोने का मतलब यह है कि आप थोड़ा उसे एक बार अच्छी तरह चला भी दीजिए डंडे से। उसके बाद जो पानी बचता है उसका आप स्प्रे करेंगे। अगर ये दोनों मिट्टी मिलाई है तो ये बहुत अच्छे खाद का और माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम करेगी, और अगर पेस्टिसाइड का प्रयोग करना है तो नीचे की मिट्टी ही ले, 30 किलो सिर्फ नीचे की मिट्टी ले। ये 200 लीटर का ड्रम है, इसमें हमने 1 फीट ऊपर की मिट्टी 15 किलो और 15 किलो 1 फीट से नीचे की मिट्टी मिलाई है, और देखिए अब इसको चला रहे हैं। अब हम इसको आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये अच्छी तरह से मिल जाए, ये इस प्रकार से। ये हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट कह लीजिए या जैविक खाद कह लीजिए, जो हमें मुफ्त में मिल रहा है।
और इसका हम स्प्रे करेंगे। अब आधे घंटे बाद हम इसको छानेंगे और प्रयोग करेंगे। चलो डालो, ये थोड़ा नीचे हो गया, ये छान लीजिए इसको। इस प्रकार छानेंगे और फिर इसमें टंकी में भरकर छने हुए पानी को हम इसमें डालेंगे और इस प्रकार हम इसको अब स्प्रे करेंगे। अब ये देखिए, अच्छी तरह करो, ऊपर तक कुछ रहा है। तो किसान भाइयों, ये था मिट्टी से जैविक खाद और जैविक पेस्टिसाइड बनाने का तरीका। मैंने पहली बार माइक्रोन्यूट्रेंट बनाया और पौधों पर छिड़काव किया, उसके 3 दिन बाद मैंने जैविक पेस्टिसाइड बनाया और उसका पौधों पर छिड़काव किया। इसका क्या असर होगा आप सबके साथ साझा करूँगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।